मौसम से जुड़ी ताजा अपडेट। देश भर के इन राज्यों में होगी बारिश और बर्फबारी। एक ताजा पश्चिमी क्षोभ 13 जनवरी को उत्तर भारत के राज्यों में दस्तक देगा। यह पश्चिमी क्षोभ कमजोर होगा। इसके प्रभाव से जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड तक ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी, कहीं कहीं पर हल्की बारिश भी देखने को मिल सकती है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगला पश्चिमी क्षोभ 17 जनवरी को उत्तर भारत में दस्तक देगा। इसके प्रभाव से उत्तर भारत के कई राज्यों में बारिश की गतिविधियां एक बार फिर से शुरू हो जाएंगी। दूसरी ओर बंगाल की खाड़ी में भी एक मौसमी सिस्टम के प्रभाव से 18 जनवरी को पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, ओडिशा सहित कई राज्यों में हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है। आज 10 जनवरी को राजस्थान राज्य के भी इन इलाकों में हल्की बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। राज्य में आज बांसवाड़ा, अजमेर, बारा, भीलवाड़ा, जयपुर, डूंगरपुर, दौसा, चित्तौड़गढ़, बूंदी, झालावाड़, कोटा, राजसमंद, बीकानेर, बाड़मेर, उदयपुर, टोंक, सिरोही, जालौर, जोधपुर, नागौर, पाली जिले में मेघ गर्जन के साथ कहीं कहीं पर हल्की बारिश हो सकती है। आज 10 जनवरी को गुजरात राज्य के भी इन जिलों में होगी हल्की से मध्यम बारिश। राज्य में सूरत, वापी, वलसाड, सिलवासा, भरूच, वडोदरा, दाहोद, छोटा उदयपुर, नवसारी में हल्की से मध्यम बारिश के साथ में तेज हवाएं भी चल सकती हैं। आज 10 जनवरी को मध्य प्रदेश राज्य के भी इन जिलों में होगी हल्की से मध्यम बारिश। राज्य में चंबल संभाग के जिले निवाड़ी, बैतूल, खरगोन, खंडवा, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, इंदौर, रतलाम, उज्जैन, मंदसौर, नीमच, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया जिले में गरज चमक के साथ बारिश की चेतावनी जारी की है। आज 10 जनवरी को महाराष्ट्र में अलग अलग स्थानों पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। उत्तर भारत में शीत दिवस से लेकर गंभीर शीत दिवस की स्थिति जारी रहने, उसके बाद समाप्त होने की भी संभावना है। तमिलनाडु, केरल में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा के साथ दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत में हल्की से मध्यम वर्षा होने की भी संभावना है। उसके बाद इसमें कमी आना शुरू हो जाएगी। आज 10 जनवरी को पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार के कुछ हिस्सों में घना से घना कोहरा छाए रहने का अनुमान है। पंजाब के कुछ हिस्सों में शीत दिवस से गंभीर शीत दिवस की स्थिति होने की भी संभावना है। राजस्थान में 10 जनवरी को एक दो स्थानों पर कोल्ड डे की कंडीशन जारी रह सकती है। दक्षिणी कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र में भी हल्की से मध्यम बारिश की उम्मीद है। मौसम से जुड़ी है जानकारी सही और सटीक लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।